एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन 3। एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 3। अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर माउंटेड ऑन अ हेमीस्फीयर ऑफ सेम रेडियस। तो कोन की शेप का टॉय है एंड इट इज माउंटेड ऑन अ हेमीस्फीयर। तो ये हेमीस्फीयर है, हेमीस्फीयर के ऊपर एक कोन को माउंट कर रखा है। ये कोन की हाइट हो गई, ये रेडियस हो गया। अब इसमें क्या दे रखा है, अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। तो इसका जो रेडियस है ना वो है 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर। उसके बाद वो बोल रहे हैं कि माउंटेड ऑन अ हेमीस्फीयर ऑफ सेम रेडियस, ठीक है, द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5 सेंटीमीटर। तो टॉय की जो टोटल हाइट है वो 15.5 सेंटीमीटर है। तो यहां से लेकर यहां तक भी तो रेडियस ही होगा, वो भी तो 3.5 ही होगा। तो ये जो है ये भी 3.5 सेंटीमीटर हो गया। टोटल हाइट इन्होंने बताई थी 15.5, तो इसका मतलब जब ये 3.5 है तो ये वाली हाइट कितनी बची, ये वाली हाइट बचेगी 12 सेंटीमीटर। ये वाली हाइट है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। अब वो ये कह रहे हैं हमसे कि भाई आपको इसमें टोटल सरफेस एरिया इसका बताना है। वो कह रहे हैं फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। तो टॉय का जब टोटल सरफेस एरिया हम बताएंगे तो उसमें क्या होगा, एक तो कर्व सरफेस एरिया होगा हेमीस्फीयर का और एक कर्व सरफेस एरिया होगा पूरे के पूरे कोन का। तो कोन का कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए जैसे ये तो एच हो गया, ये तो एच हो गया 12 सेंटीमीटर, मुझे पहले एल निकालना है। यहां पर लिखेंगे स्लैंट हाइट ऑफ कोन। तो कोन की स्लैंट हाइट कितनी हो जाएगी, एल इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर अंडर रूट, हाँ जी आर कितना है 3.5 का स्क्वायर प्लस एच कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर, ये हो गया। तो 3.5 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर, तो 3.5 का स्क्वायर देख लीजिए 5 5 25, 2 कैरी 5 3 15 और 2 17, फिर 3 5 15, 1 कैरी 3 3 9 और 1 10, 5 हो गया 7 प्लस 5 12, 1 कैरी 1 प्लस 1 2 1 2 5। तो डेसिमल के बाद एक डिजिट, डेसिमल के बाद एक डिजिट, यानी कि डेसिमल के बाद टोटल दो डिजिट, तो 12.25। तो एल इज इक्वल टू कितना हो गया, अंडर रूट 12.25 प्लस 12 का स्क्वायर कितना हो गया 1 4 4। अब 1 4 4 में अगर 12 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 156.25। तो एल इज इक्वल टू 156.25, ये हो गया। तो अब इसका स्क्वायर रूट लेना है, तो स्क्वायर रूट कैसे लिया जाएगा, वन फाइव सिक्स पॉइंट टू फाइव। तो लेफ्ट से अगर देखें तो लेफ्ट से इधर दो डिजिट ये और एक डिजिट ये, इधर दो डिजिट ये, आगे दो जीरो लगा दिए, ठीक है। तो वन से जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर या उसके इक्वल वन ही होता है। तो वन वन ज़ा वन, वन वन ज़ा वन, वन माइनस वन इज ज़ीरो, तो ज़ीरो हो गया। हाँ जी क्या 125, अच्छा 125 का स्क्वायर है, अच्छा चलो ठीक है देख लेते हैं एक बार। ये हो गया 1 माइनस 1 0, फिर 56 को नीचे कॉपी कर लिया तो 56 हो गया।
वन में वन को मल्टीप्लाई करा था तो वन आया, अब वन में वन को ऐड करेंगे तो इधर टू आ जाएगा। तो टू के आगे कोई टर्म लिख लो, जैसे टू के आगे हमने लिख लिया टू, तो टू टू ज़ा फोर, टू टू ज़ा फोर, तो 44 हो गया। अगर थ्री लिखेंगे तो थ्री थ्री ज़ा नाइन, थ्री टू ज़ा सिक्स, 69, इससे बड़ा हो जाएगा। ठीक, तो टू के आगे टू लिख दो, और यहाँ पर भी मतलब आपने 22 को टू से मल्टीप्लाई करा है तो ये हो गया 44। अब जब सब्ट्रैक्ट करेंगे, 6 माइनस 4 इज़ 2, 5 माइनस 4 इज़ 1, 1 2, और ये 2 5 नीचे कॉपी कर लिया। तो अभी तक क्या करा था, 22 में 2 को मल्टीप्लाई करा था, ये 2 5 उतारा है, डेसिमल के बाद है तो यहाँ पर भी डेसिमल लगा लो। 22 में 2 को मल्टीप्लाई करा था, 22 में 2 को ऐड कर लो, क्या हो जाएगा 24। अब 24 के आगे फिर कितना बताया, 125 ना, 125 बताया, तो 24 के आगे 5 लगा कर देख लो, 5 हो गया, और इधर 5, 5 5 ज़ा 25, 2 कैरी, 5 4 ज़ा 20, और 2 22, 2 कैरी, 5 2 ज़ा 10, और 2 12, 1 225 आ गया। और इधर 5 लगाओ, इधर भी 5 लगा लो, ये क्या हो जाएगा 1 225, तो 12.5 इसका पूरे का स्लैंट हाइट आ गया। तो एल इज इक्वल टू 12.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिएगा, अब जो ये हमारे पास नीचे को ये है हेमीस्फीयर है, तो हेमीस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर स्क्वायर। अगर मैंने पाई आर स्क्वायर लिखवाया है तो उसको सही कर लो, गलत लिखवाया है फिर। ठीक है, तो ये 2 पाई आर स्क्वायर होगा, और ऊपर इसका कर्व सरफेस एरिया वो क्या हो जाएगा, पाई आर एल। ठीक, तो आप यहाँ लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय, टॉय का टोटल सरफेस एरिया, एक मिनट वेट करें, हेलो हेलो, हाँ जी, गुड इवनिंग, हाँ जी, वो अभी नहीं हो पाएगा, उसका रीजन है, मैं बताऊंगा तुम्हें, ठीक है ना, बाद में बताऊंगा, क्योंकि नहीं, वो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स जो हैं ना उनके कार्ड बने हुए हैं, बाकी सबके लिए वो बना है, वो कार्ड से ही एंट्री है, वैसे नहीं है, है ना। तो टी एस ए ऑफ टॉय, टॉय का टी एस ए क्या हो जाएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया होता है भाई 2 पाई आर स्क्वायर, और कोन का होता है पाई आर एल। इधर भी एक पाई और एक आर इधर भी है, एक पाई और एक आर इधर भी है, तो कॉमन ले लीजिए, तो पाई और आर हमने कॉमन ले लिया, तो ये हो गया 2 आर प्लस एल, ये हो गया। अब जो पाई है वो पाई है 22/7, और जो रेडियस है वो रेडियस कितना दे रखा था, रेडियस 3.5 था या डायमीटर था, रेडियस है 3.5, रेडियस 3.5 है, तो आर की जगह ले लिया 3.5, और 2 इंटू आर यानी कि 2 इंटू 3.5, और प्लस एल कितना आया 12.5, 2 7 0 ज़ा 0, 7 5 ज़ा 35, 0.5, तो 22 इंटू 0.5 कितना हो जाएगा 11, मल्टीप्लाइड बाई 7 प्लस 12.5, 11 मल्टीप्लाइड बाई कितना हो गया 19.5, 11 5 ज़ा 55, 5 कैरी, 11 9 ज़ा 99, और 5, 99 और 5, 104, तो 10 कैरी आ गया। अब इलेवन फाइव ज़ा 55, 5 कैरी आ गया, 11 9 ज़ा 99, 99 और 5 हो गया 104, तो 10 कैरी, 11 1 ज़ा 11, और 10, 11 और 10 21, 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, देख लेना यही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन फोर में है, अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर इज सरमाउंटेड बाई अ हेमीस्फीयर। अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर इज सरमाउंटेड बाई अ हेमीस्फीयर। सरमाउंटेड ऑन अ हेमीस्फीयर होता तो हेमीस्फीयर के ऊपर क्यूब होता, सरमाउंटेड बाई अ हेमीस्फीयर है तो इसका मतलब हेमीस्फीयर के ऊपर है, मतलब हेमीस्फीयर उसके ऊपर है, क्यूब के ऊपर है, सरमाउंटेड बाई अ हेमीस्फीयर। अच्छा आगे क्या बोल रहे हैं, वॉट इज द ग्रेटेस्ट डायामीटर ऑफ द डायामीटर द हेमीस्फीयर कैन हैव। ठीक है कि हेमीस्फीयर बड़े से बड़ा डायामीटर क्या मतलब हो सकता है उसका, तो क्या बोल रहे हैं, अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर इज सरमाउंटेड बाई अ हेमीस्फीयर। तो पहले तो क्यूबिकल ब्लॉक बना लो ऐसे, ये क्यूबिकल ब्लॉक हो गया। क्यूबिकल ब्लॉक जो है, क्यूबिकल ब्लॉक की जो इन्होंने साइड बोली है वो साइड है कितनी, 7 सेंटीमीटर। ठीक है ये भी 7 सेंटीमीटर और ये भी, तीनों ही साइड्स जो हैं वो 7 सेंटीमीटर हो गई। इट इज सरमाउंटेड बाई अ हेमीस्फीयर, सरमाउंटेड बाई अ हेमीस्फीयर वो कह रहे हैं हेमीस्फीयर का ग्रेटेस्ट पॉसिबल डायामीटर क्या हो सकता है, तो ग्रेटेस्ट पॉसिबल डायामीटर ये हो सकता है कि वो हेमीस्फीयर ने इसको ऐसे टच करे। ऐसे बने हेमीस्फीयर इसके ऊपर, ठीक इस तरीके से बने, तो मैं अभी दिखा देता हूँ इसको। ऐसा करते हैं हम कि अगर हेमिस्फीयर का हम टॉप व्यू देखेंगे, ऐसे बोल दीजिए टॉप व्यू, ऑफ हेमिस्फीयर यहां पर ये क्यूब है, ये है, तो आप ये देखिए हेमीस्फीयर। अब ऐसे तो यहाँ पर देखेंगे तो ऐसे तो डोम की तरह होगा ना, मैं ये ऊपर से देख रहा हूँ, तो ऊपर से देख रहा हूँ तो हेमीस्फीयर का नीचे वाला हिस्सा तो सर्कल होता है ना, तो वो नीचे इस तरीके से टच कर रहा है। उन्होंने बोला है कि ग्रेटेस्ट पॉसिबल डायमीटर उसका क्या हो सकता है, तो ग्रेटेस्ट पॉसिबल डायमीटर तो भाई यही हो सकता है पूरा का पूरा 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर से बड़ा हो गया तो वो जो हेमीस्फीयर है वो उससे बाहर निकल जाएगा, क्यूब से बाहर निकल जाएगा। तो हमने ये कहा यहाँ पर ग्रेटेस्ट पॉसिबल ग्रेटेस्ट पॉसिबल डायामीटर ऑफ हेमीस्फीयर इज, ग्रेटेस्ट पॉसिबल डायामीटर ऑफ हेमीस्फीयर इज 7 सेंटीमीटर। तो हम ये कहेंगे रेडियस इज इक्वल टू डी बाई टू, वो हो गया 7/2, मतलब 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर ये हो गया। अब वो आपसे क्या पूछ रहे हैं इसमें, वो कह रहे हैं फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। ठीक, तो सरफेस एरिया क्या हो सकता है सॉलिड का, सॉलिड का सरफेस एरिया जब निकालेंगे, आप जरा सोचिएगा कि पहले तो पूरे क्यूब का एरिया निकाल लेंगे, पूरे क्यूब का एरिया निकालेंगे। अब पूरे क्यूब का एरिया जब हम निकालेंगे टोटल सरफेस एरिया, तो क्या होगा कि उसमें जो ऊपर है ना इसका जो मतलब जो टॉप है, इसका टॉप का भी पूरे का एरिया आ जाएगा। लेकिन मुझे टॉप का पूरे का एरिया नहीं चाहिए, मुझे ये वाला चाहिए, बस ये वाला, सिर्फ इतना वाला चाहिए, क्योंकि ऊपर से देखेंगे तो मुझे बस खुला हुआ एक्सपोज्ड एरिया ये दिखाई देगा, और उसके अलावा ऊपर एक डोम दिखाई देगा। डोम क्या होगा, हेमीस्फीयर की शेप का, तो हेमीस्फीयर का भी सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया दिखाई देगा। तो हेमीस्फीयर का जो कर्व्ड सरफेस एरिया है, एक तो वो निकालेंगे, एक टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे इस क्यूब का, शायद ऐसा एग्जांपल भी हमने करा था। ठीक है, तो एक क्यूब का टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे, उस टोटल सरफेस एरिया में से
ये जो बेस वाला सर्कल है इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे ताकि ऊपर का बस ये शेडेड ही आए, मेरी बात समझ गए। टोटल सरफेस एरिया में क्या होगा, सिक्स फेसेस का एरिया आ जाएगा, है ना, एक आगे एक पीछे एक दाएं एक बाएं एक नीचे और एक ऊपर, लेकिन ऊपर वाला पूरा एरिया नहीं चाहिए। तो शुरुआत में तो हम क्या करेंगे, पूरा ही निकाल लेंगे, ऊपर का निकाल लिया, लेकिन उसमें से ये जो सर्कल वाला पोर्शन है ये तो छुप गया ना इस डोम की वजह से, क्योंकि डोम रखा हुआ है तो ये छुप गया। तो क्या करना है, ये सर्कल सब्ट्रैक्ट कर देना है क्यूब के टोटल सर्फेस एरिया में से, ये सर्कल सब्ट्रैक्ट कर देना है, और फिर ऊपर इस पर एक डोम रखा हुआ है हेमिस्फेरिकल डोम, तो हेमिस्फीयर का कर्व सर्फेस एरिया होता है 2πr², वो इसमें ऐड कर देंगे, समझ गए होंगे। ठीक है, ठीक, तो यहां पर लिखिएगा टोटल सरफेस एरिया, देयरफॉर टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड इज इक्वल टू TSA, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड इज इक्वल टू TSA ऑफ क्यूब माइनस एरिया ऑफ बेस सर्कल ऑफ हेमीस्फीयर, मतलब हेमीस्फीयर के बेस में जो सर्कल है, एरिया ऑफ बेस ऑफ सर्कल ऑफ हेमीस्फीयर, ये सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, और प्लस CSA ऑफ हेमीस्फीयर, प्लस CSA ऑफ हेमीस्फीयर, ये हो गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। क्यूब का टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, 6 × साइड का स्क्वायर 6s² माइनस एरिया ऑफ बेस सर्कल ऑफ हेमीस्फीयर, हेमीस्फीयर के जो बेस में सर्कल है उसका एरिया क्या हो जाएगा, πr², πr², ठीक है, और CSA ऑफ हेमीस्फीयर, हेमीस्फीयर का कर्व सर्फेस एरिया होता है 2πr². अब यहाँ एक काम करेंगे, ये 2πr² है और ये -πr² है, तो +πr² हो जाएगा, 6s² +πr² ये हो जाएगा। इसके बाद 6 × s कितना है, 7, तो 6 × 7 का स्क्वायर प्लस पाई क्या है, 22/7, 22/7 इंटू रेडियस 3.5 का स्क्वायर, जीरो पॉइंट फाइव, 6 9 = 54, 5 × 6 = 24, और 5 = 29, 294, 22 × 0.5 = 11 × 3.5, 11 5 = 55, 5 × 11 3 = 33, और 5 = 38, 4 + 8 = 12, 1 कैरी आ गया, 1 + 9 = 10, 10 + 3 = 13, 1 कैरी आ गया, 1 + 2 = 3, 332.5 cm². चेक करिए, यही है। ठीक है, चलिए जी, इसके बाद जरा नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट देखिएगा, ऑनलाइन वाले बच्चे बता दें, भास्कर, मानवी, अंशिका, क्लियर है? यस सर। ठीक है, यस सर। ठीक है, अच्छा जी, अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। अ हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन, डिप्रेशन का मतलब होता है कि हेमिस्फेरिकल गड्ढा बना दिया, मतलब एक, ठीक है, अ हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ अ क्यूबिकल वुडन ब्लॉक सच दैट द डायमीटर एल ऑफ द हेमिस्फीयर इज इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब, डिटरमिन द सर्फेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, डिटरमिन द सर्फेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। तो देखिए क्या है, अ हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ अ क्यूबिकल वुडन ब्लॉक, तो क्यूबिकल वुडन ब्लॉक है क्वेश्चन नंबर 5, हमारे पास वुडन ब्लॉक है और क्यूबिकल शेप का है,
अब जरा देखिएगा वो क्या कह रहे हैं कि हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ अ क्यूबिकल वुडन ब्लॉक सच दैट द डायमीटर एल ऑफ द हेमिस्फीयर इज इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब. एज ऑफ द क्यूब का मतलब क्या है, क्यूब की एज दे रखी है इन्होंने एल, क्यूब की एज एल दे रखी है और ऊपर से हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन ये उस तरीके से है जैसे आइसक्रीम की बड़ी ब्रिक होती है ना, उसमें से जो उसका वो स्कूप निकाला जाता है तो वो भी हेमिस्फेरिकल शेप का होता है. तो आप सोचिएगा कि पूरा ऐसे काट कर इसमें से और एक हेमिस्फीयर निकाल लिया जाता है. तो ये ऐसे हो गया जैसे ये और हाँ बर्ड बात की तरह, बिल्कुल सही जैसे बर्ड बात था बिल्कुल वैसा ही है ये. ठीक है तो अब वो फिर से आपसे ये पूछ रहे हैं कि भाई अब आपको इसका सरफेस एरिया बताना है. तो उन्होंने ये बोल दिया कि इसका जो डायमीटर है वो इसकी एज के बराबर है, यानी कि जो रेडियस है वो एल बाई टू के इक्वल है, रेडियस एल बाई टू के इक्वल है. ठीक है उसके बाद आप ये देखिएगा वो ये कह रहे हैं आपसे कि आपको इसका डिटरमिन द सरफेस, एक मिनट, हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम, ठीक है डिटरमिन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, डिटरमिन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड. तो फिर अगेन वही बात है यहाँ पर भी बिल्कुल इसी के जैसा है कि पहले तो आपको क्यूब का टोटल सर्फेस एरिया निकालना है. टोटल सर्फेस एरिया जब आप निकालेंगे तो आप ये कहेंगे यार ये ऊपर तो खाली हो गया, ये तो गड्ढा हो गया, इसको तो निकाल दिया यहाँ से, काट कर निकाल दिया. तो ऊपर वाला जो ये सर्कुलर पोर्शन है तो काट दिया गया, ठीक है तो सर्कल वाला एरिया तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा क्योंकि सर्कल वाली जगह पर तो अब हवा है, खाली कुछ नहीं है. ठीक है तो ऊपर क्या बचेगा सरफेस एरिया के नाम पर, ऊपर ये कोने बचेंगे बस, ये 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 और ये जो कोने कोने हमने शेड कर दिए बस ये बचेंगे, बाकी सिर्फ एक सर्कल बचेगा ऊपर. तो वो जो सर्कल है वो सर्कल गायब हो गया. तो आपको क्या करना है, टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे क्यूब का, उसमें से सर्कल को सब्ट्रैक्ट कर देंगे. सर्कल को सब्ट्रैक्ट करने के बाद में फिर आप ये ऐसे अगर हाथ घुमाएंगे इसके अंदर, तो अंदर हाथ घुमाएंगे तो अंदर से ऐसा नजर आएगा जैसे सी एस ए हो, कर्व्ड सरफेस एरिया हो हेमिस्फीयर का. तो आपको क्या करना है, क्यूब का सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया, उसमें से सर्कल का सब्ट्रैक्ट, सर्कल का सब्ट्रैक्ट और उसमें हेमिस्फीयर का एड. ठीक है हेमिस्फीयर मुझे समझ में नहीं आया, दोबारा बोलना जरा. टीएसए ऑफ हेमिस्फीयर नहीं कर सकते क्योंकि हेमिस्फीयर जो है ना हेमिस्फीयर हॉलो है, यहाँ से हेमिस्फीयर सॉलिड नहीं है. समझ गए. ठीक है तो आपको कर्व सरफेस एरिया, तो आप ये समझो कि जैसे वो वाला क्वेश्चन था उसमें आपने क्या करा, उसमें हेमिस्फीयर की बाहर वाली बाउंड्री है वो टच करने में आ रही है तो भी कर्व सरफेस एरिया हेमिस्फीयर का है, और इसमें क्या है हेमिस्फीयर के अंदर वाला पोर्शन है उस पर आप हाथ घुमा पा रहे हो. ठीक है बिल्कुल सेम है तरीका कि टीएसए ऑफ क्यूब करना है, माइनस एरिया ऑफ बेस सर्कल करना है, ठीक है माइनस एरिया ऑफ दिस सर्कल और प्लस एरिया कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ये करना है. समझ रहे हो. ठीक है तो देखिए एक, अच्छा ठीक है क्या सर्कल हेमिस्फीयर का सी एस ए, नहीं जो क्यूब का टी एस ए है, क्यूब के टी एस ए में से एक तो सर्कल माइनस कर दो. क्यों, क्योंकि सर्कल वाला एरिया तो खाली हो गया ना, खोखला हो गया, वो तो अंदर से निकाल लिया. ठीक है और फिर जो है टच जब करेंगे अंदर तो अंदर एक कर्व सरफेस एरिया नजर आ रहा है हेमिस्फीयर का, तो वो ऐड होगा. मतलब जो सॉलिड बचा हुआ है उस सॉलिड का पूरा सरफेस एरिया, जो जो आपको सरफेस नजर आती है, तो सरफेस में क्या नजर आएगा, एक तो टीएसए, टीएसए में से सर्कल गायब कर दो बस, वो एक तो वो मतलब बाकी के पांचों फेसेस का एरिया और ये साइड का शेडेड एरिया वो आ जाएगा अगर सर्कल माइनस कर देंगे तो. और फिर अंदर ये जो गड्ढा बना हुआ है ये हेमिस्फेरिकल है तो इसका सर्फेस एरिया कर्व सर्फेस एरिया. सही है क्लियर है. चलिए जी तो नोट करिएगा कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, पता है रिमेनिंग सॉलिड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि काट कर वो निकाला गया है तो इसलिए कह रहे हैं बचे हुए सॉलिड का सरफेस एरिया बताना है, इसलिए रिमेनिंग सॉलिड बोल रहे हैं. तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड
is equal to 3 SA³ minus area of circle plus CSA of hemisphere. अब यहां पर पाई वगैरह की वैल्यू डालने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें जो साइड भी दे रखी है ना क्यूब की, वो भी एल की टर्म्स में दे रखी है। हाँ, एल की टर्म्स में निकलेगा क्योंकि एल दे दी। हाँ तो ठीक है कि मैच कर लो ना पीछे आंसर पाई की टर्म्स में, तो आपने 22/7 ले लिया होगा। आर को एल बाई टू नहीं लिया क्या? हाँ तो ठीक तो होगा। कितना है ये 12.1 का क्वेश्चन नंबर 5 ही तो है ना, ठीक तो है। देखो कैसे करना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा, पहले तो ये देखो 6 L² माइनस एरिया ऑफ सर्कल πr² प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर इज 2πr² तो 6 L² 2πr² माइनस πr² इज प्लस πr² और 6 L² हो गया प्लस पाई एज इट इज, आर की जगह क्या हो जाएगा L/2 का स्क्वायर, तो 6 L² प्लस πL² / 4, यही तो आ रहा होगा, यही तो आ रहा होगा। इन्होंने क्या कर रखा है, LCM ले रखा है और कुछ नहीं। LCM लिया तो क्या हो गया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसे ही हो गया 4 6 24 L² प्लस πL² / 4। अब इसमें क्या कर सकते हैं, इधर भी L² आ रहा है, इधर भी L² आ रहा है, न्यूमरेटर में L², डिनोमिनेटर में 4 कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में क्या बचा 24 प्लस पाई, यूनिट हमको देनी रखी थी तो ऐसे लिख दो यूनिट स्क्वायर, सेंटीमीटर होता तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर होता तो मीटर स्क्वायर, देनी रखा है तो यूनिट स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है जी, ये हुआ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद में क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। 6 में दे रखा है, अ मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर विद टू हेमिस्फीयर्स स्टक टू ईच ऑफ इट्स एंड्स, द लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल इज 14 mm एंड द डायमीटर ऑफ द कैप्सूल इज 5 mm, फाइंड इट्स सरफेस एरिया। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं, एक मेडिसिन कोई दवाई है, उसका जो कैप्सूल है वो इस शेप का है कि उसमें पूरा सिलेंडर है और दोनों एंड्स पर हेमिस्फीयर्स हैं। ठीक है, तो इधर भी एक हेमिस्फीयर है, इधर भी एक हेमिस्फीयर है। अब जरा सोचिएगा कि जब मैं इसको, जब इससे वो हमसे ये पूछ रहे हैं कि आपको इसका पूरा सरफेस एरिया बताना है, कैप्सूल का पूरा सरफेस एरिया, तो कैप्सूल पर अगर आप ऐसे ऐसे हाथ घुमाएंगे तो ये सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया है। ठीक है, और इस तरफ से देखेंगे तो एक हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया, और इधर से देखेंगे तो एक हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया। दो हेमिस्फीयर्स का कर्व सरफेस एरिया मतलब पूरे स्फीयर का कर्व सरफेस एरिया, समझ गए? ठीक है, और बीच में क्या है, सिलेंडर, तो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया, तो सिलेंडर का CSA प्लस एक स्फीयर का CSA, दोनों को ऐड कर दीजिए, पूरे कैप्सूल का टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। हाँ, दो हेमिस्फीयर की जगह एक स्फीयर ले लो। ठीक है, अब आप ये देखिएगा क्या बोल रहा है इन्होंने, द लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल इज 14 mm, तो पूरा जो कैप्सूल है उसकी जो लेंथ है वो 14 mm दे रखी है। अब 14 mm में से इधर जो ये हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर का रेडियस
और हेमीस्फीयर का रेडियस और जो आपका सिलेंडर है उसका रेडियस तो सेम ही रहेगा ना, जो सिलेंडर का रेडियस है वही तो हेमीस्फीयर का रेडियस रहेगा। उन्होंने ये बोला है कि द लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल इज 14 मिलीमीटर एंड द डायामीटर ऑफ द कैप्सूल इज 5 मिलीमीटर। कैप्सूल का डायामीटर 5 मिलीमीटर है, इसका मतलब रेडियस कितना हो जाएगा, 2.5 mm। सिमिलरली यहाँ पर भी 2.5 mm, 2.5 मिलीमीटर। पूरे कैप्सूल का लेंथ कितना दे रखा था, 14 मिलीमीटर, तो ढाई इधर से गया, ढाई इधर से गया, मतलब 5 सब्ट्रैक्ट हो गया, 14 में से 5 सब्ट्रैक्ट हो गया, कितना बचा, 9। तो 9 mm जो है, 9 mm क्या हो गया, इसका सिलेंडर सिलेंड्रिकल पोर्शन की जो हाइट है वो 9 mm हो गई। बताइए क्लियर है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, जब कैप्सूल का पूरा सरफेस एरिया निकालना है तो लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल इज इक्वल टू सी एस ए ऑफ सिलेंडर प्लस सी एस ए ऑफ टू हेमीस्फीयर्स, मतलब एक स्फीयर प्लस सी एस ए ऑफ टू हेमीस्फीयर। तो दो हेमीस्फीयर हैं तो उनका जो कर्व सरफेस एरिया है वो किसके बराबर हो जाएगा, पूरे के पूरे एक स्फीयर के कर्व सरफेस एरिया के बराबर हो जाएगा। सी एस ए ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा, 2 पाई आर एच प्लस सी एस ए ऑफ टू हेमीस्फीयर्स, मतलब सी एस ए ऑफ वन स्फीयर। फोर पाई आर स्क्वायर, तो 2 इधर भी है और इधर 4 है, 2 ले लिया कॉमन, पाई ले लिया और आर ले लिया, तो इधर बचेगा एच और इधर क्या बचेगा, 2 आर। तो 2 × 22/7 इंटू रेडियस कितना है भाई, 2.5, इंटू एच कितना है, 9 प्लस 2 × 2.5, तो 44/7 इंटू 2.5, 2.5 × 2 = 5 और 5 + 9 = 14, 7 × 2 = 14, 44 × 2 = 88 इंटू 2.5, तो 25 × 8 = 200, 20 कैरी आ गया, 25 × 8 = अगेन 200 और 20, 220, तो 220 mm². चेक करना एक बार, ठीक है ना, ठीक है। चलिए जी, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दे रखा है, ऑनलाइन वाले तीनों बच्चे बता दें, क्लियर है, यस ठीक है। भास्कर आवाज आ रही है, सर ओके। चलिए जी अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। अ टेंट इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर, अ टेंट इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय अ कॉनिकल टॉप। तो इस तरीके का हमको एक ये टेंट दे रखा है, इट इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर, तो सिलेंड्रिकल शेप का है, और ऊपर उसके एक जो टॉप जो बना रखा है वो कॉनिकल शेप का है, ये है। अब देखिए क्या बोल रहे हैं, इफ द हाइट एंड डायामीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट, सिलेंड्रिकल पार्ट का हाइट और डायामीटर आर 2.1 मीटर एंड 4 मीटर रिस्पेक्टिवली। अच्छा
हाइट तो दे रखी है 2.1 मीटर, इसको एच वन बोल दो, 2.1 मीटर। और जो डायमीटर है, डायमीटर दे रखा है 4 मीटर, तो 4 मीटर डायमीटर है तो बेटा रेडियस कितना हो गया, रेडियस हो गया 2 मीटर। उसके बाद ये बोल रहे हैं एंड द स्लैंट हाइट ऑफ द टॉप इज 2.8 मीटर। बड़ी तसल्ली हुई, स्लैंट हाइट दे रखी है, नहीं तो निकालनी पड़ती है, ठीक है। एंड द स्लैंट हाइट ऑफ द टॉप इज 2.8 मीटर, तो ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ना, रेडियस तो इसका भी यही रहेगा 2 मीटर, जो स्लैंट हाइट है दैट इज 2.8 मीटर। ये हो गया। फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास यूज्ड फॉर मेकिंग द टेंट। कैनवास यानी कि जो बड़ा सा जो कपड़ा होता है, जिस कपड़े से उसको टेंट को बनाया जा रहा है, तो पहले तो एरिया निकालना है। तो जब भी कभी टेंट होता है ना और टेंट बनाया जाता है, तो टेंट में जो ग्राउंड वाला हिस्सा है, ग्राउंड वाले हिस्से में कपड़ा नहीं लगाया जाता, ठीक है। तो टेंट में क्या होगा, सिलेंडर का सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया होगा, अच्छा, और ऊपर वाला हिस्सा है वहाँ पर भी कोई कपड़ा नहीं लगाया जाएगा, वो खुला हुआ रहेगा। तो इसका मतलब मेरे को सिर्फ सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया चाहिए, और ऐसे ही कोन का भी सिर्फ कर्व सरफेस एरिया चाहिए। तो हम ये कहेंगे कि एरिया of canvas used for making the tent, area of canvas used for making the tent is equal to 2.8 of cylinder plus CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ कोन। तो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया क्या है, 2πRH1, और कोन का कर्व सरफेस एरिया πRL। अब इसमें πR इधर भी है, πR इधर भी है, कॉमन ले लो, तो 2H1 प्लस L, पाई है 22/7, आर कितना है 2 मीटर, 2H1 यानी कि 2 × 2.1 प्लस एल 2.8, 22 × 2 = 44/7, 2 × 2.1 = 4.2 प्लस 2.8, 7 ही हो गया, 7 से 7 कट गया। तो कैनवास का एरिया कितना हो गया जो चाहिए, 44 मीटर स्क्वायर। ये हो गया। आगे देखिएगा, ये तो कैनवास का एरिया हो गया, एरिया ऑफ कैनवास यूज्ड फॉर मेकिंग द टेंट, एक तो ये हो गया। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कैनवास ऑफ द टेंट एट द रेट ऑफ ₹500 per meter square, ठीक है। तो 1 meter square जो कैनवास है उसकी जो कॉस्ट है वो ₹500 है, ₹500 per meter square। तो 44 की कितनी होगी, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो लिख दीजिए कॉस्ट ऑफ ₹1 meter square कैनवास इज इक्वल टू ₹500, कॉस्ट ऑफ 44 मीटर स्क्वायर कैनवास तो 5 × 4 = 20, 2 कैरी, 5 × 4 = 20 और 2 = 22, ₹22,000। हाँ जी, अगला देखिएगा जरा,
अगले में क्या दे रखा है, फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर एंड डायामीटर 1.4 सेंटीमीटर। तो एक सॉलिड सिलेंडर दे रखा है हमको, फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर एंड डायामीटर 1.4 सेंटीमीटर। एक सॉलिड सिलेंडर है जिसकी हाइट है 2.4 सेंटीमीटर, और जो डायामीटर है वो दे रखा है 1.4 सेंटीमीटर। तो डायामीटर 1.4 है यानी कि रेडियस जीरो पॉइंट सेवन सेंटीमीटर। अ कॉनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट एंड सेम डायमीटर इज हॉलोड आउट। तो इसके अंदर से काट कर एक कॉनिकल कैविटी निकाल दी जाती है। एक कॉनिकल कैविटी इसके अंदर से काट कर निकाल दी जाती है। अब वो बोल रहे हैं फाइंड द टोटल सर्फेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब आप ये देखिए, वो बोल रहे हैं सॉलिड सिलेंडर। सॉलिड सिलेंडर का मतलब क्या है कि जब मैं इसको ऐसे छूऊंगा ना, तो यहाँ से तो कर्व सर्फेस एरिया आएगा, नीचे जो है ना, नीचे एक सर्कल भी है पूरा का पूरा, क्योंकि सॉलिड सिलेंडर है, पाइप नहीं, हॉलो नहीं है, ठीक है। तो नीचे जो है, नीचे एक सर्कल भी है, इधर जो है, इधर तो सॉलिड सिलेंडर है उसका कर्व सर्फेस एरिया, और नीचे जो है एक सर्कल है। और जब इसकी बात करते हैं, अंदर की बात करते हैं, तो अंदर से अगर इस तरीके से हाथ घुमाएंगे तो एक कोन बन जाएगा, ठीक। तो हमें क्या करना है कि टी एस ए ऑफ दिस सॉलिड इज इक्वल टू सी एस ए ऑफ सिलेंडर, सी एस ए ऑफ सिलेंडर प्लस एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर प्लस सी एस ए ऑफ कोन। सी एस ए ऑफ कोन निकालने के लिए ये आर है और ये एच है, एल निकालना पड़ेगा, एल निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो L देख लीजिए कितना आएगा, सी एस ऑफ सिलेंडर 2πRH, एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर, सी एस ऑफ कोन पाई आर एल। तो आप ये देखिए पाई आर पाई आर पाई आर तीनों में है, ये तो कॉमन ले लो। ब्रैकेट में क्या बचा, 2H प्लस R प्लस एल। एल को क्या बोलेंगे, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है। और अब 22/7 रेडियस कितना है, 0.7, ये तो 0.1 आ गया। 2 इंटू हाइट कितना है, 2.4, प्लस आर कितना है, 0.7 प्लस अंडर रूट आर स्क्वायर, आर स्क्वायर मतलब 0.7 का स्क्वायर, और एच स्क्वायर मतलब 2.4 का स्क्वायर, ब्रैकेट बंद। तो 22 इंटू 0.1 इज 2.2, 2 इंटू 2.4 इज 4.8 प्लस 0.7 प्लस 0.7 का होल स्क्वायर अगर करेंगे तो 0.49 हो गया,
और 2.4 का, 24 का स्क्वायर होता 576, ये हो गया 5.76, ब्रैकेट क्लोज, टू पॉइंट फाइव, हाँ तो 2.2, 4.8 प्लस 0.7 इज 5.5 प्लस अंडर रूट 0.49 प्लस 5.76 कितना हो जाएगा, 6.25। तो ये किसका होल स्क्वायर होता है, 2.5 का, तो 2.2 इंटू 5.5 प्लस 2.5, 5.5 प्लस 2.5 इज 8, 8 हो गया, 8 टू जा 16, 8 टू जा 16 और 1 17 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये है, ठीक है। बस इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 बचा है, वो आप लोग ट्राई करिएगा, वॉल्यूम वाला पोर्शन नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया था कल की दशहरे की छुट्टी रहेगी, ठीक है, परसों संडे की, मतलब 2 दिन की छुट्टी है, ठीक है, हम मंडे को मिलेंगे।